हलाली साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। हलाली साहब बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त डिस्कशन है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दी है इसी को लेकर के जी स्पीकर नेशनल असेंबली अगर सेशन कॉल करके ये सामने नहीं पेश करते इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन तो इसका मतलब यह है कि वो पार्टी बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हम लोग वहां पर बैठ के धरना देंगे और जिसके बाद हम देखेंगे ओआईसी का इजलास कैसे होता है। सर ये थ्रेट है या वाकई ही ऐसा कुछ करने का ऑपोजिशन सोच रही है? ये है क्या स्पीकर का कोई ऑब्लिगेशन है रूल्स तहत प्रोसीजर्स के तहत के डिस्कशन होनी चाहिए? ये जो पूछ रहे हैं क्या स्पीकर लाजमी ये करना चाहिए लिखा हुआ है आपसे मैं पूछ रहा हूं? जी जी नहीं बिल्कुल नहीं लिखा हुआ जी। अच्छा तो अगर लिखा हुआ नहीं है तो ये क्यों इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं स्पीकर पे? देखिए बात सीधी साधी ये है कि ये तो बड़े कंफर्टेबल थे ना, ये तो बड़े कॉन्फिडेंट थे। एग्जैक्टली आप एकदम इनका कंपोजर इनका बैलेंस ये पागलों की तरह बात कर रहे हैं वायलेंस थ्रेटन कर रहे हैं क्या दीवाने हो गए? देखिए क्या वजह हो सकता है लेट्स एग्जामिन। पहली बात तो ये है कि ये जो इनके लोटे हैं लाई राजा रियाज नूर आलम इनको तो बहुत बुरा फीडबैक मिला है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पब्लिक से, जैसे आपने देखा है उनको धमकियां आए हैं, इन्होंने भी धमकियां दी है उधर से भी आए हैं। लगता ये है कि कुछ है माने कि पब्लिक रिएक्शन बड़ा एडवर्स हुआ है लोटों का। दूसरी बात इनको तो पता ही ये नहीं था, इनका ख्याल ये था कि पैसे लो उधर जाओ उधर से टिकट लो इलेक्ट हो जाओ वाह वाह पैसे भी मिल जाएं एक दफे और यूं की पॉपुलैरिटी से हम इलेक्ट भी हो जाएं। अब पता चल रहा है कि ये शायद डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं पूरी उम्र के लिए। तीसरी बात इन्होंने मेरे ख्याल में एक वो देखा होगा इमरान खान का चेहरा रिंग रोड पे जिधर उसने कहा है कि भाई अगर तुम लोग गए हो चलो कोई बात नहीं वापस भी आ सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है कंफर्टेबल रिलैक्स, या इनको कुछ ऐसी बात पता चला होगा वो जो शाम में मीटिंग हुई है उसके बारे में कोई लीक हुआ होगा या पता नहीं उन्होंने खुद उनकी चिड़ियाओं ने कुछ उनको बता रहा है हिल गए। पांचवी बात ये मुराद और तरीन के साथ जो ग्रुप के जो डिस्कशंस हो रहे हैं और खटक और आउन के साथ जो डिस्कशंस हो रहे हैं अलीम खान के साथ जो डिस्कशंस हो रहे हैं इनमें से शायद उनको ये शक है कि भाई ये तो वापस जा रहे हैं इन्होंने वोट नहीं करना है हमारे लिए ये है हो सकता है। इन अदर वर्ड्स हमारे पास वोट ही नहीं कंफर्म जो हम कह रहे थे। और चीज हलाली साहब जरा मुझे बताते जाइएगा मेरे पास टाइम थोड़ा सा है। हलाली साहब ये जो अभी आपने एक एनालिसिस किया है आई एग्री ऑन इट के चीजें बिल्कुल इस वक्त चेंज होती नजर आ रही हैं लेकिन ये जो एंग्जाइटी है मैं इसको एंग्जाइटी कहूंगा ये जो अर्जेंसी है ये इस चीज के लिए की जा रही है कि आज भी शायद वो जो मेंबरान हैं उनकी कहीं ना कहीं आज भी उनका ये उनको लगता है कि ये हमें वोट कर देंगे लेकिन अगर टाइम बाय हो गया तो ये जो इस वक्त प्रेशर भी है पब्लिक प्रेशर है हुकूमत कह रही है वो कहीं वापस हुकूमती हलकों में ना चले जाए। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल एक वो वजह है, दूसरा वजह है कि वो वापस आना चाहते हैं उनको आने नहीं देते हैं जिधर उन्होंने उनको छुपाया हुआ है। देखिए ये पैसे किसने दिए? इन्होंने दिए ना, ये खुद नहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट ने दिए किसी को, छुपा कौन रहे हैं? ये ही छुपा रहे हैं ना, गवर्नमेंट के पार्टी तो नहीं छुपा रही है। छुपाना और किडनैप करना ये एक बड़ा कैन बी अ वेरी क्लोज थिंग और इसका एक ये क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है किसी को रिस्ट्रेन करना कहे इस्तीफा दो। अब ये इन्होंने कहा है कि हमारा प्लान भी ये है कि इस्तीफा दो हम उनको कहेंगे तो फिर हम इन लोगों को कहेंगे जाओ गिनो क्यों भाई इस्तीफा दो क्या मतलब तुम उन जबरदस्ती इस्तीफा लेंगे। और फाइनली मैं आपको बता दूं ये बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है उन क्वार्टर्स में जिधर इम्पैक्ट इज इम्पोर्टेंट और वो है कि ये इंडिया का एजेंडा है, इंडिया यही चाहता है कि ये समिट ना हो। बिल्कुल ठीक जफर लाल साहब बिल्कुल सर आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।